Hello and welcome to One Academy. Let's crack it. My name is Sheena and I brought for you the session on one word substitution. But इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ मैं आपको बता दूँ कि One Academy इतना अच्छा platform क्यों है और आपको क्यों One Academy join करना चाहिए. We have more than 30 batches starting every month, right? 20 hours of content is added every hour. We have more than 70 educators in a particular category. We have 40,000 hours of recorded content. 20,000 practice questions and more than 98% of the bank aspirants they trust us for their preparation. हम लोग के यहाँ पे strong lineup रहता है batches का, right? और ये जो batches का lineup है, कौन कौन से batches हमारे पास 1st of September से शुरू हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ. Triumph Doubt Batch for Bank Exams 2021, Ranveer Advanced Practice Batch for Bank, Ranvijay CET 2021. So this is the strong lineup of batches. In batches mein kya milega? Full syllabus coverage. Course will be covered in Hindi. Notes will be in English. PDF study material. Top educators of the country. Unlimited access to test, weekly quiz, mock test. Dedicated doubt clearing sessions. Ask a Doubt is a new feature started by An Academy. Jahan par aap log actually apna doubt pooch sakte ho. Feature hai ye ek naya. ये अवेलेबल है उन्हीं लर्नर्स को जिन्होंने इंस्टॉल किया है अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे और आईओएस फ़ोन्स पे. आपको इससे बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप एक क्वेरी या डाउट रेज कर सकते हो. आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस. यू कैन गेट हाई क्वालिटी सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी. अगर आपका क्वेश्चन यूनिक लगा सो सब्सक्राइब लर्नर्स में गेट अ डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन एज वेल. सोल्यूशन विल बी अवेलेबल फॉर ओनली बैंक एग्जाम्स. हाउ टू अवेल दिस फीचर? Go to Doubts and Solutions feature on your home screen. Click on Ask a Doubt and upload your image, doubt image. Crop the image and highlight the question. Choose the subject that the question falls under. Choose the subject that the question falls under and post your doubt. Yeah. So Bank Combat एक नया ये एक test है. Scholarship pool है 1 crore का. अब इसमें आप कैसे अपने लिए एक हिस्सेदारी जीत सकते हैं? पहले तो एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए आपके पास. लाइव होगा ये टेस्ट हर संडे को सुबह 10 बजे ही टेस्ट होता है. 50 मिनट्स में 36 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना. अगर आप टॉप 500 में रहते हैं तो आपको ये प्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है? 1 ईयर का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, 75% स्कॉलरशिप 4th to 10th रैंक पर, 11th to 50th पर 50% स्कॉलरशिप, 51 to 100 पर 25% स्कॉलरशिप. इस बार जो कॉम्बैट आ रहा है कल संडे मेगा कॉम्बैट होने वाला है. संडे को सुबह 10 बजे उठें, 36 क्वेश्चंस कर दीजिए 50 मिनट में और अपना प्राइज उठा के ले जाइए. 1000 लकी विनर्स को मिलेगा एक्साइटिंग गिफ्ट्स. फर्स्ट प्राइज वुड बी एप्पल आईपैड मिनी, सेकंड एप्पल एयरपॉड, थर्ड JBL स्पीकर्स एंड रेस्ट ऑफ यू कैन गेट सम गुड अमेजोन वाउचर्स. ऑगस्ट के मंथ में अनअकैडमी लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए 3 ऑफर्स. पहला है अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, जिसमें अगर आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 और 4 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं कितने प्राइस पे. अगर आप CET प्रेपरेशन ऑफर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 21% ऑफ मिलेगा बैंक और SSC के कॉम्बो पर. 1 और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान पे आपको मिलेंगे 6 और 12 मंथ्स बिल्कुल फ्री कितने प्राइस पे. थर्ड है आपका RBI इंट्रोडक्ट्री ऑफर, जहाँ पे आपको RBI और NABARD के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 75% ऑफ. कोई भी बैंक एग्जाम प्लान लेते हैं आप तो RBI के और NABARD पे मिलेगा आपको 75% ऑफ. सो फॉर 1 and 2 ईयर ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन गेट 3 to 6 मंथ्स एडिशनल मंथ्स इन सच मिनिमल चार्जेस. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31st of August, राइट? आपको मिलेगा क्या? हम आपसे कही जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन ले सब्सक्रिप्शन ले, मिलेगा क्या? डेली लाइव क्लासेस वेयर इन यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, इंगेज इन डिस्कशंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन पोल्स ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन. नेक्स्ट इज यू कैन गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विच विल बी इन लाइन विद योर बैंक एग्जाम सिलेबस. थर्ड इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, दैट इज हाउ यू कैन इवेल्युएट एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस. Next is unlimited access to live and recorded courses to watch from the comfort of your devices and convenience of your homes. ये कुछ test series हैं जिसमें से आप अपने लिए एक अच्छा test series choose कर सकते हैं. Whatever you wish for.
सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है वो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी हो सकती है। 24 मंथ्स पर 76% ऑफ मिलेगा, एक साल पे 60% ऑफ, आधे साल पे 33% ऑफ, 3 मंथ्स पे 16% ऑफ, और 6 मंथ्स के ऊपर तो आपको EMI फैसिलिटी भी मिलेगी। और ये रहेंगे मिनिमल सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो आज ही SHEA10 कोड अप्लाई करें और प्रोसीड कर जाएं पे करने के, ठीक है जी। ये यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नज़र आए, या आपको लगे कि कोई फाउल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, या आपको लगे कि हमने कुछ ऐसा बोला जिसने कम्युनिटी गाइडलाइंस को हैम्पर कर दिया है, तो आप रिपोर्ट करिए हमारे बारे में। हाँ जी, और ये फीचर सिर्फ अनअकैडमी ही देता है। रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइप फॉर्म का लिंक मिलेगा। इसमें अपनी रिपोर्ट टाइम स्टैम्प के साथ पोस्ट कर दीजिए, और अगर आपका रिपोर्ट हमें जेन्युइन लगता है, यू स्टैंड अ चांस टू विन सम एक्साइटिंग गिफ्ट्स। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग वोकैब पता चलेगी यहाँ पर, ठीक है जी। आई विल ज़ूम दिस फॉर यू गाइस। हाँ जी, हियर ओके, हम लोग अभी सिर्फ 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 10 तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारे पास जूलॉजी, ठीक है जी। तो आप लोग मेरे साथ ये सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं फिलहाल। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बोटनी, बॉटनी। ये वर्ड्स रिलेटेड हैं फील्ड ऑफ स्टडी से, ठीक है। पहले 10 देखते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अच्छा, पहला पढ़िए, पहला लिखा हुआ है यहाँ पे पहला वर्ड आप लोगों ने आई एम श्योर देख लिया है, जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऑर्निथोलॉजी, ये बहुत आते रहते हैं ये वर्ड्स, प्लीज याद रखें। सो व्हाट्स ऑर्निथोलॉजी? दिस इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पिसिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फिश। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विद पॉइजंस। सीज्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमेना एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स। ओके, सेरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग। न्यूमिस्मैटिक्स होता है सिक्कों की या धातु की स्टडी, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, राइट। चलिए मैं ये आपको और रिफाइन फॉर्म में दोबारा बता देती हूँ। जूलॉजी की बात करूँ तो दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, या जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सेकेंड है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्नी और एंटोमोलॉजी में प्लीज कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है जी। ऑर्निथोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। एंड देन वी हैव एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पिसिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फिश। पिसी पाइसेस राशि होती है, उसका जो सिंबल होता है वो होता है फिश, तो पिसिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फिश। थियो जहाँ कहीं भी आ जाएगा उसका मतलब है भगवान, ठीक है जी। मैं जूम ही कर देती हूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। सो एंटोमोलॉजी, पिसिकल्चर, पांचवा पढ़िए पिसिकल्चर, द स्टडी ऑफ फिशेज, राइट। थियोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलीजन। टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन से डील करने वाली साइंस, टॉक्सिक।
सीज्मोलॉजी तो होती ही स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है. सीज्मो का मतलब ही है अर्थक्वेक्स. सेरी का मतलब है सिल्क वॉर्म, जो रेशमी कीड़ा होता है उसकी स्टडी करना सेरी कल्चर कहलाता है. न्यूमिस्मैटिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स या मेटल्स. ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए. इलेवेंथ इलेवेंथ पॉइंट पे पढ़िए, यहाँ ये रखा जहाँ पे इस वक्त कर्सर है. सो मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी साइंटिफिक इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मीटियोरोलॉजी क्या करता है? वेदर कंडीशंस की स्टडी. सो मीटियोरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस, राइट. ऑर्थोग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेलिंग्स. जहाँ कहीं स्पेलिंग्स का साइंस आ जाए वो ऑर्थोग्राफी है. पैलिंटोलॉजी बहुत पूछे जाने वाले शब्दों में से एक है. मैं 13th पर हूँ इस टाइम. पैलिंटोलॉजी, इसकी स्पेलिंग याद कर लें, ये स्टडी होता है फॉसिल फ्यूल्स का. ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ऑर्थोग्राफी इज द साइंस ऑफ, अभी आया था ऊपर ही, सॉरी. ओके, अकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड. अकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड. आपने अकॉस्टिक कवर सुने होंगे म्यूजिक में. एरोनॉटिक्स इज द साइंस और आर्ट ऑफ ओके, देन वी हैव दिस वर्ड नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स. नहीं, अकॉस्टिक्स हो गया स्टडी ऑफ साउंड. एरोनॉटिक्स होता है द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला है, एरोनॉटिक्स. एस्थेटिक्स, जो बंदा अपनी कला में बहुत ही फाइन है, फाइन कला की फिलॉसफी, इसको कहते हैं एस्थेटिक्स. फिलॉसफी ये होता है रिटन रिकॉर्ड्स की स्टडी या फिर उनकी ओरिजिनलिटी, जेन्युइनिटी की जो स्टडी होती है उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं. फिलो का मतलब ही होता है सच्चा, यू नो, या सो ऑथेंटिसिटी की स्टडी है ये. फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. तो जो आप बोल रहे हैं, आपके जो बोलने की, आपकी स्पीच की जो स्टडी है वो फोनेटिक्स है. फोन से याद कर लो, टेलीफोन मतलब दूरभाष, फोन का मतलब होता है भाषा. तो ये आपकी स्पीच साउंड की स्टडी है. एंथ्रोपोलॉजी, ये स्टडी है मैनकाइंड के डेवलपमेंट की. एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमंस. तो एंथ्रोपोलॉजी इंसान या इंसानी जाति की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है जी. आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है? जब जो चीज़ें पुरानी सिविलाइजेशन की, जो पुरानी सिविलाइजेशन की चीज़ें बची हुई हैं, फिजिकल रिमेन्स हैं या कुछ टूटे फूटे हिस्से हैं, उनकी स्टडी करना, दैट्स आर्कियोलॉजी. ये हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है. क्रायोजेनिक्स, ये होती है सब्सटेंसेस की स्टडी एट अ वेरी लो टेम्परेचर. क्रायोजेनिक टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर सब्सटेंसेस की स्टडी करना इज क्रायोजेनिक. डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स. तो आपका नंबर ऑफ बर्थ्स क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स क्या है, इनकी मदद से अगर आप स्टडी कर रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन, तो दैट्स कॉल्ड डेमोग्राफी. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस होता है जो पत्थर पे लिखा नहीं होता, कब्रों पर, मकबरों पर लिखा रहता है. हाय मयंक, हेलो सिपिन. ओके,
सो नेक्स्ट इन द टिकेटी इज एपिग्राफी हो गया. एपिग्राफी होता है जो स्टोन पर शब्द छपे होते हैं ना, पत्थरों पर, उनकी स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफी. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर सराउंडिंग्स. जो प्लांट्स की और एनिमल्स का रिलेशनशिप है अपने सराउंडिंग्स के साथ, उसको आप क्या कहते हैं, इकोलॉजी. ठीक है, अभी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी, ऑल द लॉजीज, राइट. एटिमोलॉजी क्या होता है, शब्द कहाँ से आया, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी. ओके पीपल. एथनोलॉजी, एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. एथनोलॉजी क्या है, ये एथनिसिटी समझते हो, ये जो इंसानी रेस है ना, जो काला गोरा रेस है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, ऑल दीज आर ऑल रेसेस. या तो एथनिसिटी की या ह्यूमन रेसेस की स्टडी कहलाती है एथनोलॉजी. ओके पीपल. लेट्स गो अहेड. वी हैव यूजेनिक्स. ईयू का मतलब होता है गुड. मैं 27th पढ़ रही हूँ अभी. 27th कह रहा है यूजेनिक्स. ईयू का मतलब होता है सब अच्छा अच्छा. जेनिक्स आ रहा है जीन से. तो जब आप पेरेंट्स का केयरफुल सिलेक्शन करें तो बच्चे तो बेटर होंगे ही होंगे. इस बात की स्टडी, बेटर ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है जब केयरफुल सिलेक्शन होता है पेरेंट्स का, इस बात की स्टडी को हम कहते हैं यूजेनिक्स. ईयू का मतलब होता है गुड, जेनिक्स का मतलब होता है जीन. जब जीन्स अच्छे होते हैं ना तो बच्चे भी अच्छे आते हैं, तो इसे हम यूजेनिक्स कहते हैं. इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेस. इटियोलॉजी होता है कि बीमारी का कॉज क्या है, जड़ क्या है, उसकी स्टडी करना, इटियोलॉजी. 28th हो गया. 29th पर आइए, जेनेटिक्स. 29th में पढ़ रही हूँ अभी जेनेटिक्स. इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. इंसान का जो हेरिडिटी है उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स. 30th है जियोलॉजी. ये होती है पत्थरों की, मिट्टी की या मिनरल्स की स्टडी, जियोलॉजी. साइकोलॉजी, ये स्टडी है ह्यूमन माइंड की. इंसान का जो दिमाग है उसका स्टडी करना कहलाता है साइकोलॉजी. इंसान की सोच क्या है, साइकोलॉजी. बायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ. बायोलॉजी तो आपको पता ही है, जो हमारा जीवन चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इसके पीछे बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, दैट्स ऑल बायोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी, दिस इज द स्टडी ऑफ स्टार्स. 33rd पढ़ा मैंने अभी. एस्ट्रो का मतलब है हर चीज जो आसमान से रिलेटेड है. एस्ट्रोनॉमी है सितारों की स्टडी. कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है हैंडराइटिंग. कैली का मतलब है सुंदर, सुंदर लिखने की कला, कैलीग्राफी. अलकेमी, केमी का मतलब केमिस्ट्री. अल मतलब पुराने जमाने में, तो जो स्टडी थी केमिस्ट्री की पुराने जमाने में, इसको हम कहते हैं अलकेमी. बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, आपने कोई भी, हाँ, आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया, उस पर आपने क्या क्या बुक्स को रेफर किया है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी. ठीक है जी. दिस इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट पे चलेंगे. क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब ही होता है वक्त. अगर आप वक्त के हिसाब से चीजों को अरेंज कर दें, राइट, इफ यू स्टडी इवेंट्स रिलेटेड टू टाइम एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, राइट, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. ओके पीपल. नेक्स्ट इज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स. साइटो का मतलब ही होता है सेल्स, लॉजी मतलब स्टडी. सेल्स की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी. नेक्स्ट इज लेक्सिकोग्राफी. लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी. ठीक है, तो ये जो डिक्शनरी लिखना या डिक्शनरी को कंपाइल करना, कंपाइल मतलब होता है एरर स्पॉट करना, तो अगर आप डिक्शनरी लिख रहे हो या डिक्शनरी कंपाइल कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी. फिलेटली, ये स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है. आपने देखा होगा कुछ लोग स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं,
ये हॉबी जो होती है स्टैम्प कलेक्शन की और इन स्टैम्प्स की स्टडी कहलाती है फिलेटली। ठीक है जी, आई होप ये 40 फील्ड्स ऑफ स्टडी आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप पीपल। Can I just have a thumbs up from your side? Okay, thank you, Sipen. मैं for the time being आप लोग के लिए जल्दी से repeat कर देती हूँ। Zoology animals, botany plants, ornithology birds, entomology insects, pisciculture fishes, theology भगवान या धर्म, toxicology poison, सीज़मोलॉजी अर्थक्वेक्स, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म रेशमी कीड़ा, न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन्स और मेटल्स, मीटियोरोलॉजी वेदर कंडीशंस, ऑर्थोग्राफी स्पेलिंग्स, पैलिंटोलॉजी फॉसिल फ्यूल्स, अकोस्टिक्स साउंड, एरोनॉटिक्स फ्लाइट, एस्थेटिक्स आर्ट, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट, फिलोलॉजी ऑथेंटिक रिटन रिकॉर्ड्स स्टडी फिलोलॉजी, सच्चाई की स्टडी फिलोलॉजी, फोनेटिक्स स्पीच साउंड की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, क्रायोजेनिक्स सब्सटेंसेस एट लो टेम्परेचर्स, डेमोग्राफी पॉपुलेशन, एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस, इकोलॉजी प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप उनके सराउंडिंग्स के साथ, एटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति की स्टडी, एथनोलॉजी ह्यूमन रेसेस, यूजेनिक्स प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग्स बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स गुड जीन्स की स्टडी, इटियोलॉजी डिजीजेस की स्टडी कॉज ऑफ डिजीजेस की स्टडी, जेनेटिक्स हेरिडिटी, जियोलॉजी पत्थर मिट्टी मिनरल्स की स्टडी, जियो इज ऑल अबाउट अर्थ, साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड, बायोलॉजी फिजिकल लाइफ, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स, कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, अल्केमी एंशियंट टाइम केमिस्ट्री, बिब्लियोग्राफी स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री और अ लिस्ट ऑफ बुक्स, क्रोनोलॉजी टाइम रिलेटेड इवेंट्स की स्टडी, साइटोलॉजी सेल्स, लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी, फिलेटली स्टैम्प्स। तो ये 40 फील्ड्स ऑफ स्टडी आई होप आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। अविक, आपको बाय हार्ट ये सब मेमोराइज नहीं करने हैं, आप बस एक बार सुन लीजिए, ये आपके काम आ जाएंगे। ठीक है अविक, हाय ऋतिक, ये आपके जनरल सेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार बैंक्स में या एसएससी में आप बैठ रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। कई बार बैंक्स में आया है लेक्सिकोग्राफी जैसा टर्म, एस्थेटिक्स आ जाता है, अकोस्टिक्स आ जाता है, पैलिंटोलॉजी आ जाता है, तो ये इंग्लिश कभी भी पढ़ी हुई बर्बाद नहीं होती है। अब लोगों का प्रोफेशन पढ़ोगे मेरे साथ क्या? लेट्स स्टडी द प्रोफेशन ऑफ पीपल right along with me, come on. So first profession is anesthetist. ये first वाला point पढ़िए यहाँ पे जहाँ पे cursor लगा हुआ है अभी। Anesthesia समझते हो? Anesthesia वो होता है जिससे इंसान insensitive हो जाता है, उसको feel नहीं होता कुछ भी during an operation. Anesthetist कौन होता है? Anesthetist ये वो बंदा है जो ऐसी दवाइयां देता है जिससे इनसेंसिटिविटी आती है ऑपरेशन में। जो बंदा आपको एनेस्थीसिया लगाएगा ऑपरेशन के दौरान वो बंदा होता है एनेस्थीटिस्ट। ठीक है जी। कार्डियो, कार्डियो इज ऑल अबाउट हार्ट,
तो कार्डियोलॉजिस्ट वो बंदा है, वो डॉक्टर है जो आपकी हार्ट की बीमारियों का इलाज करता है. डर्मा इज ऑल अबाउट योर स्किन, तो आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है जी. नेफ्रो, नेफ्रो नेफ्रॉन होते हैं ना, हमारी किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स. हमारी किडनी जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बनती है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट हो गया. ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी होता है ट्यूमर्स की स्टडी, ऑन्को का मतलब ही होता है ट्यूमर. सो ऑन्कोलॉजिस्ट वो बंदा है जो स्पेशलिस्ट है ट्यूमर में और कैंसर में. ठीक है, स्पेशलिस्ट इन ट्यूमर्स एंड कैंसर इज ऑन्कोलॉजिस्ट. ठीक है. पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन वो होता है डॉक्टर जो छोटे बच्चों का इलाज करता है. आपने देखा ना जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे या छोटे बच्चे 2-4 साल तक के, उनके लिए एक अलग डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है पीडियाट्रिशियन. ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो का मतलब ही होता है हड्डी, आपकी हड्डियां, आपकी स्पाइन, आपके जॉइंट मसल्स का इलाज करने वाला बंदा ऑर्थोपेडिस्ट. ठीक है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मा होता है आपकी आंखें, जो बंदा आपकी आंखों की बीमारियों का इलाज करे जो डॉक्टर, वो बंदा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. इजी. हाय रितिक, हेलो. न्यूरोलॉजिस्ट जो बंदा आपके नर्वस सिस्टम का इलाज करे. नर्वस सिस्टम होता है आपकी नसें. कई बार लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को हो, पर ये जो नर्वस वीकनेस होती है, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, नसें काम नहीं करती है ना, मतलब आपके ब्रेन सेल्स तक जो सिग्नल्स हैं वो ढंग से नहीं पहुंच पाते, तो जो नसों की बीमारियों का इलाज करे वो न्यूरोलॉजिस्ट. गाइनेकोलॉजिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट वो होता है डॉक्टर जो औरतों की बीमारियों का इलाज करता है, स्पेशली वो बीमारियां जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, गाइनेकोलॉजिस्ट. ऑब्स्टेट्रिशियन, अच्छा चलो गाइनेकोलॉजिस्ट तो अलग हो गया. जैसे मान लो औरतों की ओवरी का कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वो गाइनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन जो डॉक्टर डिलीवरी करने में माहिर है, जो स्पेशलिस्ट है इन डिलीवरिंग बेबीज या चाइल्ड बर्थ में जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है वो डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन होता है. ठीक है जी. जो मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है, जो मैप से डील करे वो कार्टोग्राफर. कोरियोग्राफर कौन है? कोरियो इज ऑल अबाउट डांस, तो जो डांस की कला सिखाए आपको वो कोरियोग्राफर है. क्यूरेटर, जो बंदा म्यूजियम को ही देखभाल करता है या क्रिकेट पिच की देखभाल करता है वो बंदा क्यूरेटर होता है. जैसे अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है तो उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी के फादर थे वो पिच क्यूरेटर थे. ठीक है. क्रिकेट की जो पिच की देखभाल करे या उसका इंचार्ज हो या म्यूजियम का इंचार्ज हो वो बंदा क्यूरेटर है. लेक्सिको तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिक्शनरी. तो जो डिक्शनरी बनाए वो बंदा लेक्सिकोग्राफर है. जॉकी, जो बंदा प्रोफेशनल घुड़सवार होता है, हॉर्स राइडर होता है, वो बंदा जॉकी होता है. 17वें पर आ जाओ, स्कल्प्टर. ठीक है. सेवेंटीन है स्कल्प्टर. स्कल्प्टर कौन है? जो, हाँ, जो वन हु कार्व्स इन स्टोन, जो पत्थरों पर लिखता है ना वो बंदा स्कल्प्टर होता है, या पत्थरों से मूर्तियां बना दे वो सब स्कल्प्टर्स होते हैं. कन्फेक्शनर, जो टॉफियां, मीठा या पेस्ट्रीज बेचता है वो बंदा कन्फेक्शनर होता है. कॉनोइसियर की स्पेलिंग बहुत बार आ जाती है. 19th में जो कॉनोइसियर लिखा हुआ है उसको जरा गौर से पढ़ें. कॉनोइसियर वो बंदा है. हे यशस्वी, हेलो.
Connoisseur is someone who is an expert judge in art or music or any form of art, you know, music or dance or literature. Jo banda expert judge hota hai, you know, has got a special skill in judging art, music, etc. That's a connoisseur. Okay. Next is florist. Who is a florist, people? Jo banda deal karta hai flowers ke saath, wo banda hota hai florist. Okay. So florist is done, someone who deals in flowers. How about astronauts? Jo banda spacecraft mein travel kare, wo banda astronaut hai. Cobbler, someone who mends your shoes, jisse aap apne shoes theek karate hain, wo cobbler hai. Philatelist is someone, philately is all about hobby of stamp collection. So a philatelist is someone who collects stamps, right? Lapidist, someone who cuts precious stones. It's not previous, isko theek kar lijiyega 24th mein. It is precious stones. Jo banda mehenge pattharon ki katai karta hai, wo banda lapidist hota hai. Jo diamond cut kar raha hai, emeralds, rubies ko cut kar raha hai, wo banda kaun hai? Lapidist hai. Stevedore, ships mein kaun hai jo load karta hai saman ko aur unload karta hai? Jo banda ship mein saman bharta hai aur ship se saman bahar nikalta hai, wo banda stevedore hota hai. ठीक है जी, स्टीव डोर. शॉफियर, शॉफियर इज समवन हु ड्राइव्स अ मोटर कार. आपने कोई ड्राइवर हायर किया है, आप जब कैब्स हायर करते हो, ये जो लग्जरी कैब्स होती है ना स्पेशली, जब आप इनका जो ड्राइवर होता है या समवन हु ड्राइव्स अ मोटर कार इज अ शॉफियर. ठीक है. ड्रोवर इज समवन हु डील्स इन कैटल, चरवाहा, दैट्स अ ड्रोवर. ओके पीपल, हाय हाय केदारनाथ बगादी. ओके, सो आई विल रिपीट ऑल द प्रोफेशंस फॉर यू गाइस. ठीक है जी, आई विल रिपीट ऑल द प्रोफेशंस फॉर यू पीपल. एनेस्थेटिस्ट, समवन हु गिव्स एनेस्थीसिया. कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट. डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट. नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट, ट्यूमर कैंसर स्पेशलिस्ट. पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट, बोन स्पाइन और जॉइंट मसल स्पेशलिस्ट. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट, नर्वस सिस्टम स्पेशलिस्ट, नर्व स्पेशलिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट, दिस इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द क्योर ऑफ वुमेन, specially diseases related to reproductive organs. Obstetrician is childbirth specialist or someone who is specialized in delivering babies. Okay, cartographer is someone who draws map. Jo naksha banata hai, map banata hai, wo banda cartographer hota hai. Choreographer is someone who teaches the art of dancing. Curator is someone who is in charge of a museum or you know, a cricket pitch. Lexicographer is someone who compiles a dictionary. Jockey is a professional horse rider. Sculptor is someone jo murtiyon ko banata hai, someone ha jo patthar se koi murti bana de ya pattharon pe likh de, wo banda sculptor. Who carves in stone. Confectioner, someone who sells toffee, sweets or pastries for that sake is a confectioner. Connoisseur is someone who is specialized in the art of judging anything, judgment of anything, say it a game or a piece of art in the form of you know, a literature, a writing or music or dance or anything for that sake. Florist deals in flowers. Astronauts who travels in spacecraft. Cobbler who mends shoes. Philatelist who collects postage stamps. Lapidist who cuts precious stones. Stevedore who does loading and unloading of ships. Chauffeur who drives a motor car. Chauffeur ki spelling dekh lijiyega.
ड्रोवर समवन हु डील्स इन कैटल. क्या यहां तक आपको सारे वर्ड्स क्लियर हैं? डन विद इट? Okay, if you guys have understood all the words till here, wonderful. हम लोगों ने अभी आज 67 words किए, ठीक है? We have all done 67 words in here. I hope आपको ये सारे words समझ में आ गए होंगे. अगर हाँ तो well and good. बाकी के जो words हैं वो हम लोग कल देखेंगे, one word substitution जितना भी है, ठीक है जी? और कल हो सका तो इनका टेस्ट भी ले लूंगी मैं, ठीक है? ऑल राइट पीपल, या वी हैव 3 मोर पेजेस लाइक दैट एंड विल डू देम टुमारो, ओके? या कल हम लोग पढ़ेंगे 75 वर्ड्स, ओके पीपल? चलिए, शुक्रिया सारे लोग का ज्वाइन करने के लिए. आई होप यू ऑल हैव अ गुड टाइम. ओके, अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर भी, क्योंकि यूट्यूब पर आप जितना देखते हो वो सब होता है ट्रेलर. वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन यूट्यूब इज जस्ट अ ट्रेलर. इफ यू विश टू टेक डिटेल्ड सेशंस, इफ यू विश टू टेक डिटेल्ड इंग्लिश सेशंस, please try and join me on Unacademy Learner app. You can download it today because this is available for free from Play Store. Please download Unacademy Learner app and try to follow Sheena Arora in bank exams category. Sheena, that's my name. And I have designed like more than 250 classes as special classes which are free. The thumbnails that you can see here are all about my special classes. So if you really wish to avail all my special sessions which are designed keeping in mind that English is very universal and it is not exam specific. Although I teach in bank category, but all my content is designed in a way that will make you learn the language, and once you understand the language things will become very easy for you, right? Whatever exam you sit in, if you try and take all these sessions things will be very easy for you guys. तो ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में होती हैं. आप लोग को बस शीना अरोड़ा को फॉलो करना है, ठीक है? इसके साथ साथ मेरे प्लस सेशंस भी होते हैं. कल 11 बजे लास्ट प्लस सेशन हो रहा है. यहाँ पे आप बेस से लेके एडवांस तक की ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक है जी? बेस से एडवांस तक का ग्रामर होगा आपका प्लस में. ये तो कल वैसे खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपको प्लस या फ्री कोर्स अवेल करना है तो Shia10 कोड को यूज करिए and you can avail reap a lot of benefits. Iske alawa aap log mujhe join kar sakte ho mere telegram channel par so that you get notification of all my upcoming videos. So t.me learn english with Sheena, that is my telegram link. You can join me in here and you can avail all the courses. You can avail all the PDFs or the courses that I have to offer you guys. Thank you so much for listening me. Agar aap log ko ye video acha laga ho to please isko like kare, zyada se zyada logo mein share kare aur subscribe kare telegram channel ko bhi, sath sath let's crack bank exams ko bhi, theek hai ji? Thank you people, have a good night, bye bye.